ये रहा दोस्तों रेलवे स्टेशन। और गाइस पता है मैंने रेलवे स्टेशन पे भी वॉमिट कर दी। गाइस ये देखो हमारा सोने का इंतजाम हो चुका है, मेरा फोन चोरी हो जाएगा मेरा। अब ठीक है, उल्टी हुई ना तुझे प्रॉपर, जैसे बस बस में पूरी उल्टी होती है वैसी। ठंडा लग गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में संतरे लेने के लिए। अजीब सा हो रहा है सब कोई। एक तो हमने कल इतना अनशंट खा लिया ना बाहर का, तो अजीब सा हो रहा है, तो मार्केट जा रहे हैं फ्रूट्स लेने के लिए, तो चलते हैं। आज ही हम लोगों को ऋषिकेश से हरिद्वार जाना है, फिर हरिद्वार से हल्द्वानी जाना है, फिर हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाना है। यस गाइस, आज हम लोग चले जाएंगे गढ़वाल से कुमाऊं। तुम पर और नहीं बोल रहे थे टेहरी 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 लिखा है करके। हाँ मैं बोल रही थी वहीं आता है वाला एरिया टेहरी में, वो वाला एरिया में। हाँ उधर टेहरी जहाँ से हमने राफ्टिंग करी थी शिवपुरी से आगे को, पता नहीं वो एक एक झूला भी आता है बोल रहे थे, पता नहीं कौन सा झूला। अच्छा वो फिर टेहरी डैम में, टेहरी वाले एरिया में आ जाते हैं। हम टेहरी घुमाए कल, चलो। तो गाइस अभी हम लोग निकल पड़े हैं फ्रूट्स लेने के लिए, और आज हम लोग ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाएंगे, बाहर से सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे और चले जाएंगे यहाँ से। तो गाइस हमने कीनू और सेब ले लिए हैं। हेलो जी बड़े सोहने लग दे हो। ले जाओ, हम तेरे लिए लाए हैं कीनू और हम लाए हैं तेरे लिए सेब। तो हमने फ्रूट वाले अंकल से काला नमक ले लिया था जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा है। तो गाइज जोजो की तबीयत कल रात भर खराब थी, इसको ना रात हम तो सो गए थे, नेहा और मैं सो गए, नेहा तो पहले सो गई थी, मैं 12 बजे सोई वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट करके, और फिर हम दोनों सो गए, और ये बेचारी वॉशरूम जाने में ही थी, मतलब इसको वॉमिट हो रही थी, हम तो सोए हुए थे आराम से। फिर सुबह उठे मुझे बहुत गंदा वॉमिट जैसा होने लग गया, मुझे लगा खाली पेट हो रहा है शायद, फिर सेब वेब खाया, सारा सेब निकल गया, सारा निकल गया, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वॉमिट अटकी हुई है। और अच्छा हाँ, रात भर मैं भी अच्छे से नहीं सोई हूँ, वो पता नहीं बगल वाले कमरे में कौन आया था, सुबह 5 बजे मेरा अलार्म बजा, वो भी उठो 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 कहने लग गए, और 5 बजे से 8 बजे तक पता नहीं कैसा लग रहा था, 20-25 लोग आए, ऐसा भिन भिना जैसा रहे थे यार, इतने सारे लोग थे। अभी हम लोग करेंगे चेकआउट होटल से, और यहाँ से हमको जाना है हरिद्वार, फिर हरिद्वार से हमारी ट्रेन है हल्द्वानी के लिए, तो बस हम लोग तैयार होके बैठे हुए हैं अभी, बस थोड़ी देर जाने का, मतलब ऐसा हो रहा है कि अजीब हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को टेंशन हो रही है कि रास्ते में वॉमिट ना हो जाए कहीं ऐसी बीच रोड में। सो गाइस हम लोग कर रहे चेकआउट, और मेरी हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मतलब मुझे अभी बहुत गंदी वाली उल्टी है, बहुत गंदी वाली उल्टी हो गई है, सारा निकल गया, मतलब शायद अब ठीक हो जाए, बस रास्ते में कहीं नींबू पानी मिल जाए तो नींबू पानी पी लेंगे। मैंने ट्राईपॉड भी अपना इसमें डाल दिया, बैग में डाल दिया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, है ना, हाथ में ज़्यादा सामान भी नहीं रखना है, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ से हमने ऑटो पकड़ के जाना है चंद्रभागा पुल, वहाँ से फिर थोड़ा चलना है, फिर बस मिलेगी, बस से हमको जाना है हरिद्वार। गाइस यहाँ पर जगह जगह राफ्टिंग बुकिंग ऑफिस वगैरह आपको हर जगह मिल जाएगा, मतलब इधर भी है फिर उधर भी है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये रहा दोस्तों रेलवे स्टेशन। लो हजम लिखा है, हजम सारा हजम हो जाएगा, हजम एप्पल ड्रिंक जो जो जीरा नहीं है। अभी रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, और हम लोग मतलब अभी से वेट नहीं कर रहे, 1 बजे से वेट कर रहे हैं, और अभी 3 बज गए हैं, और हमारी ट्रेन है 5:30 बजे की। और गाइस पता है मैंने रेलवे स्टेशन पे भी वॉमिट कर दी ना जो मेरी तबीयत खराब हो गई है ना, मेरा भी कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है, कढ़ी चावल, मतलब जैसे मैगी भी खा रही थी, मैगी भी खाने का मन कर रहा है मेरा, पर मैं जो भी खा रही हूँ ना सब निकल जा रहा है, मतलब मुझे खाने में भी डर लगती है, पता चला आप दोनों को देख देख के मैं भी हो गई, मन गया हमारा। गाइस ये देखो हमारा सोने का इंतजाम हो चुका है। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। ये सोए हुए हैं और बस मेरे को नहीं सोने दे रहे हैं। फोन चोरी हो जाएगा मेरा। तो गाइस जो बाहर से रेलवे स्टेशन के बाहर गई थी बिस्लरी की बोतल लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो वाला पानी मिलता है, मतलब बोतल में तो मिलता है, बट उसमें रेलवे रिपोर्टर करके तो चिट लगा हुआ था, तो वो
आरओ का पानी भी नहीं था, ऐसे लोकल पानी था। दोस्तों 5 बज चुका है, बस आधा घंटा और उसके बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी। यही है शायद, यही है, यही है ना। हाँ और हम लोग जा रहे हैं अभी अल्मोड़ा के लिए, तो बस चलते हैं अल्मोड़ा। चल बाय बाय। हाथ वाला भी है। तो अभी हम भरेंगे गाड़ी में तेल। घर अल्मोड़ा में, और अरे चिंटू आप लोग राफ्टिंग वाला व्लॉग बताना। अरे 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 आप लोग बताना आपको राफ्टिंग वाला व्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को इंप्रे करते समाप्त। अगर आप व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तब तक मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का। बाय गाइस।